हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेशी यात्रा चैनल। मैं मोहिनी, आज मैं आपके साथ विदाउट आईएलटीएस यूरोप कंट्री में किस तरह से आप फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हो उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विदाउट आईएलटीएस आप यूरोप कंट्री में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो फर्दर स्टडी के लिए। तो यूरोप का तो सबको पता है, यूरोप सबकी ड्रीम कंट्रीज होती है यूरोप में जाने के लिए। जो भी यूरोप यूनियंस होते हैं ईयू के अंदर, तो उसमें काफ़ी कंट्रीज आती हैं। तो वहाँ आपको जाना है तो विदाउट आईएलटीएस आप फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हो। उसमें कॉमन कंट्रीज है जो सभी को कहीं ना कहीं ड्रीम रहता है कि हम ये कंट्री में घूमने जाए ऐसे। सो ज़्यादातर यूरोप उसके कल्चरल लाइफस्टाइल और फैशन और फूड के लिए सबसे ज़्यादा पहचाना जाता होता है। तो यूरोप के अंदर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि देर आर 40+ कंट्रीज जहाँ पे आप विदाउट आईएलटीएस जा सकते हो। तो वहाँ भी इस तरह से का रहता है कि विदाउट आईएलटीएस किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो विदाउट आईएलटीएस जाने के लिए सबसे पहले आपको आपका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया ऐसा होता है कि आप आइधर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से हो, जैसे यूके, यूएस, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, और एल्स आपका एजुकेशन पूरा इंग्लिश मीडियम में किया गया हो, जो भी कंट्री से आप हो। ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सकते हो। और वहाँ पे ये आपका सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू रहता है आपका वीडियो इंटरव्यू रहता है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस एडमिशन का हो जाता है। तो ये मेन एंट्रेंस पार्ट है यूरोप के अंदर आपको विदाउट आईएलटीएस जाना है तो उसके लिए। अब हम बात करते हैं टोटल कंट्रीज, कितनी कंट्रीज आती है यूरोप में। जैसे कि मैंने बताया 14 कंट्रीज, तो उसका लिस्ट यहाँ पे है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, साइप्रस, आयरलैंड, नीदरलैंड, लैटविया, चेक रिपब्लिक एंड डेनमार्क। इतनी सारी कंट्रीज है वहाँ पे आप विदाउट आईएलटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें से अब मैं दो या तीन कंट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि ये जो कॉमन कंट्रीज है वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम जर्मनी के बारे में बात करते हैं। तो जर्मनी फेमस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। तो जैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, आपको मैकेनिकल में हो या फिर सिविल में हो, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में हो, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आता है, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी इज़ अ बेस्ट कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और वहाँ पर ग्रोथ इतना सारा स्टूडेंट को मिलता है। तो जर्मनी के लिए आप सोच रहे हो तो आपका ये क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कौन सा है और पर्टिकुलर कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा है फ्रांस। फ्रांस जाना जाता है एफिल टावर के लिए। वो सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है यूरोप के अंदर, जहाँ पे सबका ड्रीम होता है कि हम फ्रांस में जाएं। तो अगर आप फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो विदाउट आईएलटीएस आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका क्राइटेरिया। तो ये सबसे ब्यूटीफुल प्लेस रहती है जहाँ पे आपका एजुकेशन कर सकते हो, और फ्रांस के अंदर लाइफस्टाइल और ब्यूटी रिलेटेड ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं ताकि वहाँ के कल्चर के साथ उसी तरह के आप कोर्स ले सकते हो। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं इटली। इटली फेमस है उनकी सक्सेस स्टोरी ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की वजह से इटली काफ़ी फेमस है, और वहाँ पे इटली में इतने सारे कोर्सेज और वहाँ का कल्चर, फिर वहाँ का आर्किटेक्ट और उनकी जो पुरानी जो भी आर्किटेक्चर जो भी बिल्डिंग्स हैं उसके लिए इटली काफ़ी फेमस रहता है, और वहाँ पे लाइफस्टाइल और फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है। तो उसके रिलेटेड आपको स्टडी सिलेक्ट करनी है तो आपके लिए बेस्ट कंट्री इटली रहेगी। तो इस तरह से काफ़ी कंट्रीज़ का लिस्ट है। तो आपको जहाँ पर आप अप्लाई करने वाले हो कि कौन सी कंट्री में जाना है यूरोप के अंदर, तो सबसे पहले आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको माइंड में रखनी है वो थिंग ऐसी है कि आप कहीं भी कोई भी कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर अप्लाई करने जा रहे हो, तभी सबसे पहले आपको एक्स वाई सी कंट्री की कॉलेज के वेबसाइट पे जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका जो एजुकेशन है और वहाँ के लिए जो कोर्स के लिए जो कंट्री में कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो दोनों क्राइटेरिया आपके मैच होने चाहिए। वो मैच होता है उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए टास्क ट्राई कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो तो अब ये कंट्री के लिए आप बाकी का जो भी प्रोसेस होता है वो कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि विदाउट आईएल्स आप यूरोप यूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो में पता चल गया होगा कि आपको विदाउट आईएल्स यूरोपियन कंट्री में जाना है तो कौन सी कंट्री, कौन सी कॉलेजेस और क्या क्राइटेरिया आपको माइंड में रख के आपको कॉलेज सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आपको आज के वीडियो में पता चल गया होगा विदाउट आईएल्स कौन कौन सी कंट्री में अप्लाई करना है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कंट्री सिलेक्शन के लिए विदाउट आईएल्स और आपका क्राइटेरिया आपको मैच नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तब तक मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।